अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्वागत है आपका आसमास किचन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से पूरे इंडिया में 21 दिन के लिए लॉकडाउन कर दिया गया है, और अगर आपके घर में सब्जी नहीं है तो बिना सब्जी के भी आप घर में पड़ी कुछ चीजों से एक अच्छी सब्जी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आज हम बनाने वाले हरी मिर्च का बेसन। इंशाल्लाह आगे भी मैं आपको इसी तरह की रेसिपियाँ बताती जाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम बनाना। हरी मिर्च का बेसन बनाने के लिए कढ़ाई में हमने एक बड़ा चम्मच तेल को गर्म होने रख दिया। इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून राई, 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून अजवाइन और 1/2 टीस्पून कलौंजी। जब ये सारी चीजें हल्की सी तड़क जाएं, इसमें डालेंगे 1 मीडियम साइज की प्याज, इसे बारीक काट लिया है। प्याज को हल्का गुलाबी होने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज यहाँ हल्की गुलाबी फ्राई हो गई है। अब इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च। तो यहाँ हमने 1 से 2 हरी मिर्च ली और इसे बारीक काट लिया, ये डाल देंगे। अगर आपके पास में हरी मिर्च ना हो तो यहाँ लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, या फिर कुटी हुई मिर्च डाल दें। 1 मीडियम साइज का टमाटर लिया और इसे बारीक काट लिया, ये डाल देंगे। 1/2 टीस्पून डाल देंगे हल्दी पाउडर। टमाटर जब हल्के से सॉफ्ट हो जाए तो हम गैस को मंद करेंगे और इसमें डालेंगे हम बेसन। तो यहाँ हमने 1/2 कप बेसन लिया, ये डाल देंगे। गैस को बिल्कुल मंदा ही रखेंगे और मध्य फ्लेम पर ही इसे अच्छी तरह भूनेंगे, तब तक जब तक कि इसमें से अच्छी सी खुशबू नहीं आने लगती। अब इसमें हम पानी डालेंगे। तो 2 गिलास पानी दूसरे चूल्हे पर हमने गर्म होने रख दिया। पानी थोड़ा सा गर्म हो गया है, आप यहाँ ठंडा पानी भी डाल सकते हैं। ठंडा पानी डालने से बेसन में थोड़े लम्स बन जाएंगे और गर्म पानी से लम्स नहीं बनेंगे। तो यहाँ आप अगर थोड़ा सा गर्म पानी करके डालें तो ज्यादा बेहतर है। अभी हमने इसमें 1 गिलास के करीब पानी डाला है। बेसन को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। बेसन हम यहाँ थोड़ा सा पतला ही रखेंगे क्योंकि ये पकने के बाद में थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, ठंडा होगा तो और गाढ़ा हो जाएगा। तो आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखें कि बेसन जब भी बनाए तो इसे थोड़ा सा पतला ही बनाए। 1.5 गिलास पानी डालने के बाद में आप यहाँ देख सकते हैं बेसन अभी थोड़ा गाढ़ा है। अगर आप इसे रोटी से खा रहे हैं तो इतना थिक बेसन आप रहने दें, और इसमें हरा धनिया डालें और गैस को बंद कर दें। अगर आप इसे चावल से खाएंगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और डालें और इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अगर आपके पास में नहीं हो तो हरा धनिया भी स्किप कर दें। बस इसमें 1 उबाल आ जाए तो हम गैस को बंद कर देंगे। तो ये बेसन की सब्जी बनकर तैयार है। आप इसे रोटी चावल के साथ खाएं या फिर पराठे के साथ खाएं, ये बहुत ही मजे की सब्जी बनकर तैयार है। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक अपना, अपनी फैमिली का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।